तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो सिक्स नेशन T20 फेस्टिवल खेला जा रहा है, इसका भाई जो आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का 13वां मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा कुवैत 11 वर्सेज बांग्लादेश 11 के बीच में। तो मैच भाई ये एक तरह से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये बातें करेंगे सारी। लेकिन उससे पहले भाई रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल टीम जो भी रहेगी ना हमारी वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और एक तरफा विनिंग आपका भाई आपको टेलीग्राम पर करवा देगा। अगर बात करें भाई आज के मैचेस की, मतलब आज तो भाई क्या कल का ही मैच था, वो कल रात को जो लास्ट मैच खेला गया था उसकी अगर विनिंग की बात करें तो यहाँ पर ऊपर भाई काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो मैच था वो अल्ट्रा क्लीन स्वीप गया था हमारे लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई हम हाँ यहाँ पर आप देखिए भाई, यहाँ से आप देखना स्टार्ट कीजिए, एक तरफा विनिंग आपका भाई आपको लगातार करवा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, मतलब कोई सिंगल कॉन्टेस्ट हमने यहाँ पर नहीं हारा है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो आप देख सकते हो दूसरे जो स्क्रीनशॉट है वो भी, मतलब ये आप सभी लोगों की विनिंग है जो आपने मेरे पास शेयर की थी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी विनिंग है, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी विनिंग है। इसके अलावा भाई और भी यहाँ पर पहले भी काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट आए थे, यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब लगातार एक तरफा विनिंग आपका भाई आपको करवा रहा है। बस आपको क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और स्पेशली भाई जो सिक्स नेशन T20 फेस्टिवल है हमारे लिए अल्ट्रा क्लीन स्वीप अभी तक जा रहा है, और उम्मीद है भाई ये मैच भी हमारे लिए वैसा ही रहेगा। मैच अब इंटरेस्टिंग क्यों है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि बांग्लादेश एक्सआई 11 जो भी आप बोलो और कुवैत 11 दोनों ने अभी तक मतलब एक भी मैच आ रहा मतलब जीता नहीं है, एक सिंगल मैच इन्होंने नहीं जीता। कुवैत की बात करें तो 3 में से 3 आ रहे हैं, बांग्लादेश की बात करें तो 4 में से 4 आ रहे हैं, ठीक है। अब चलिए भाई बात करते हैं दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस कैसी क्या रही थी, क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस भी निकालना इनकी भाई एक तरह से मान लो कि काफ़ी बड़ी सिरदर्दी वाला काम है, क्योंकि यार परफॉर्मेंस क्या ही निकाले जब कोई टीम मैच विन ही नहीं कर रही। यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉलिंग काफ़ी अच्छी हुई थी बांग्लादेश की तरफ से कह सकते हैं हम। यहाँ पर पहले बैटिंग की बात करेंगे, यहाँ पर बात करें तो भाई शाहीनुल इस्लाम आपको ओपनिंग करते दिखेंगे, अब्दुल्ला अल मामून के साथ दोनों भाई फ्लोप रहे। नाजमुल की बात करें तो भाई कुछ खास नहीं कर पाए, अब्दुल मोतालेब की बात करें तो 12 रन बनाए, मोहम्मद बुलबुल की बात करें 20 रन बनाए, इसके अलावा जो मोर्शिद मुस्तफ़ा सरवार है इन्होंने 26 रन बनाए, 25 रन बनाए भाई मोहम्मद सुमोन ने। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो और तो यहाँ पर भाई मोहम्मद शबीर ने 20 रन बनाए नीचे आके, मतलब इनका जो मिडिल ऑर्डर है ना वो थोड़ा सा ठीक चला है इस मैच में, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब गेंदबाजी पर आ जाइए, यहाँ पर अगर बात करें तो मोहम्मद सुमोन ने 20 रन बनाए प्लस 2 विकेट निकाले 4 ओवर में, ठीक है। सईदुल इस्लाम की बात करें 4 ओवर में विकेट लेस गए, मोहम्मद बुलबुल अहमद 4 ओवर में 1 विकेट, टॉप ऑर्डर में बैटिंग है, ठीक है। और इसके अलावा सुजोन मियाँ की बात करें 4 ओवर में 2 विकेट, अल अमीन एलायस मियाँ की बात करें 2 ओवर में विकेट लेस, मोहम्मद सबीर 2 ओवर में 1 विकेट। तो अब यहाँ से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ से देखो जो कहा गया मोहम्मद बुलबुल की बात करें, नंबर 5 पर बैटिंग है प्लस 4 ओवर की गेंदबाजी है, ठीक है, गजब का प्लेयर मोहम्मद सुमन, 4 ओवर की गेंदबाजी प्लस बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, ठीक है, दो प्लेयर आपके लिए यहाँ से फिक्स हो गए। नीचे से सैदुल इस्लाम को आप ट्राई कर सकते हो, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा मेरे हिसाब से। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर बात करें तो एक और गेंदबाज था यार इनका, कौन सा था एक बार मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भाई जब परफॉर्मेंस नहीं आती ना टीम्स की, हाँ सुजोन मियाँ दिख गया भाई, ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं आती ना टीम की तो यार मतलब जो वो परफॉर्मेंस याद रखी जाती है जो टीम के विनिंग में आए। अब यार टीम आ रही है क्या ही मैटर करेगी परफॉर्मेंस, है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो सुजोन मियाँ है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अब चलिए भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं कुवैत की टीम की, तो कुवैत की टीम की बात करें तो भाई अफगानिस्तान के साथ मतलब बुरी तरीके से हार के आ रही है, बहुत ही बुरे तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम इस मैच की बात करेंगे तो पहले भाई यहाँ पर बैटिंग की बात करेंगे, तो भाई यहाँ पर जो मुजामिल खालिद है इन्होंने 22 रन बनाए, अब्दुल रहमान अलकांदरी की बात करें तो 0 पर आउट हो गए, इसके अलावा जो बैस्ताकी फहाद है इन्होंने 8 रन बनाए, अब्दुल जब्बार ने 14 रन बनाए। इसके अलावा जो मोहम्मद बैस्ताकी है, ये आप कन्फ्यूज मत हो ना भाई बैस्ताकी फहाद और मोहम्मद बैस्ताकी में, ठीक है, तो इन्होंने भाई ये जल्दी आउट हो गए, बाकी किसी ने कुछ खास किया नहीं। गेंदबाजी पर आ जाइए, यहाँ पर गेंदबाजी में बात करेंगे तो भाई 3 विकेट निकाले मोहम्मद खालिद ने, मोहम्मद बैस्ताकी नंबर 4-5 पर बैटिंग कर रहे हैं प्लस भाई 1 विकेट भी निकाला। इसके अलावा मोहम्मद जो महमूद बस्ताकी है यहाँ पर आप देखिए कंफ्यूज नहीं होना भाई, महमूद बस्ताकी और मोहम्मद बस्ताकी में, ठीक है, 1 विकेट इन्होंने निकाला है। अब्दुल रहमान अलकांदरी की बात करें 4 ओवर में 2 विकेट, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। इसके अलावा मोहम्मद राशिद बादशाह की बात करें 4 ओवर में विकेट लेस गए, इब्राहिम अल धाबियान की बात करें तो 1 ओवर में भाई यहाँ पर इन्होंने भी 1 विकेट निकाली थी। अब यहाँ पर अलकांदरी की बात करें तो ओपनिंग कर रहा है प्लस भाई विकेट निकाल रहा है। इसके अलावा मोहम्मद बस्ताकी नंबर 5 पर, नंबर 7 पर आ रहा है महमूद बस्ताकी, तो यहाँ पर ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अब चलिए
भाई डेमो टीम बनाने की कोशिश करते हैं। अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, फाइनल टीम मैं टेलीग्राम पर ही आपको दे पाऊंगा, क्योंकि टॉस के बाद प्लेइंग 11 आने के बाद ही फाइनल टीम दे पाऊंगा, और उससे पहले फाइनल टीम भाई मैं नहीं प्रोवाइड करवा पाऊंगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक आधा प्लेयर ना खेलता नजर आए, फिर आप क्या करोगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और यार इतनी मेहनत मैं आपके लिए लगातार कर रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, मतलब कीजिएगा, क्योंकि देखिए लाइक करने से ना मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे ना आपके अकाउंट से पैसे जा रहे, बस मोटिवेशन वाली बात है। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर सिर्फ भाई 1 घंटे 55 मिनट का ही समय बचा है, जब आपको वीडियो मिलेगी तब ऑलमोस्ट 1 घंटा बचा होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो भाई मोहम्मद तौफीक को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, या फिर भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा शाहिनुल इस्लाम को आप अपनी टीम में लेके जाइए, और ए अल मामून को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ड्रॉप करके चलूँगा। यहाँ पर एम मुस्तफ़ा को मैं अपनी टीम में रखूंगा, इसके अलावा मैं एम राशिद बादशाह को आप अपनी टीम में रख सकते हो, बट मैं यहाँ से अभी के लिए इसे अपनी टीम में, यहाँ से बात करें अल अमीन एलाइस मियाँ की बात करें तो 100% हमारी टीम में रहेगा। नीचे आप चाहो तो नाजमुल को ट्राई कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से एम राशिक बादशाह को ट्राई कर सकते हो। अलकांदरी हमारी टीम में 100% रहे, एम बुलबुल अहमद हमारी टीम में रहेगा, एम खालिद हमारी टीम में रहेगा, इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर दिख नहीं रहा। गेंदबाजी में एम बस्ताकी को हम अपनी टीम में रखेंगे, मोहम्मद बस्ताकी नंबर 5 पर बैटिंग है भाई, ठीक है। तो और यहाँ से भाई जो महमूद बस्ताकी है इसको भी हम अपनी टीम में रखेंगे 101%, ठीक है। तो ये दो प्लेयर हो गए। यहाँ से अगर बात करें तो एस इस्लाम को आप अपनी टीम में रख सकते हो, बट अभी के लिए मैं रख रहा। इब्राहिम अल दावियान की बात करें तो जरूर मैं अपनी टीम में रखूंगा। नीचे अगर बात करें तो सुजोन मियां को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं। इसके अलावा भाई यहां पर मोहम्मद सुमोन की बात करें तो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर आप इसको ट्राई कर रहे हैं तो भाई ए अल दावियान को आप ड्रॉप कीजिए और एम सुमोन के साथ चले जाइए। कैप्टन वीसी की बात करें तो ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं भाई, मैं बिल्कुल सेफ ऑप्शन के साथ जा रहा हूं। एक ऑप्शन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप अगर चाहो तो एम खालिद की जगह पर अलकांदरी को अपनी टीम में एज ए वीसी लेके, मतलब कैप्टन लेके जा सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं अलकांदरी को लेकर जा रहा हूं। तीनों ही ऑप्शन अच्छे ऑलराउंडर सेक्शन से ही मेरे सीवीसी निकलेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी के लिए आप इन तीनों में से किसी को भी सीवीसी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो टीम का प्रीव्यू आप यहां से देख सकते हो, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी ना वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि विदाउट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।